एक सच्ची कहानी, जिस्म और रूह। वो मुझे किसी के सगाई समारोह में सिर्फ एक बार दिखी थी। मैं तो उसको बस देखता ही रह गया था। बहुत ही तीखे नैन नक्श और बहुत ही भोली सूरत थी उसकी। मैं तो उसकी सुंदरता में इतना खो गया था कि मैंने उसके साधारण से सूट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिन के बाद जब मेरी शादी की बात चली तो मैंने उस लड़की का ही जिक्र कर दिया। घर में तो जैसे भूचाल सा ही आ गया। घर में परिवार के लोगों ने मुझे कहा, कहाँ तू अमेरिका का ग्रीन कार्ड वाला लड़का और कहाँ वो एक छोटे से परिवार से आई वो लड़की जिसको सिर्फ घर की साफ सफाई का काम ही आता था। पर मेरे दिलो दिमाग पर तो उसकी छवि हमेशा के लिए ही अंकित हो गई थी। कोई मेरे दिल का हाल नहीं समझ रहा था। मैंने भी कह दिया कि मेरा निर्णय पत्थर की लकीर ही था। आखिर एक दिन उससे मेरी शादी हो गई और जब उसको उसके सर से पानी वार कर घर के अंदर लाया गया तो जैसे पूरे घर में ही प्रकाश हो गया। सबसे ज़्यादा नाराज मेरी सबसे छोटी बुआ थी, क्योंकि उसके ससुराल की तरफ से आए एक लड़की के रिश्ते को मैंने इनकार जो कर दिया था। फिर घर में किसी न किसी बहाने से दहेज में लाई गई चीज़ों का हिसाब लगाया जाने लगा। कभी उसके सजने संवरने को ही विषय बनाकर घर में चर्चा शुरू हो जाती। एक बार जब मेरी पत्नी को कपड़े धोने की मशीन चलानी नहीं आई तो उसका घर में एक बड़ा मामला बना दिया गया। लेकिन मेरी पत्नी में एक विशेषता थी, भले घी का मटका ही क्यों ना बह जाए वो हंसती रहती थी और भले ही कोई भी कुछ कहता रहे। इससे घर की अन्य औरतों को और भी गुस्सा आ जाता था। वह हैरान होती थी कि इतना गुस्सा करने के बाद भी मेरी पत्नी बदले में गुस्सा क्यों नहीं करती थी। फिर एक दिन वो जहाज़ में बैठकर मेरे पास अमेरिका आ गई। उसकी अमेरिका में संघर्षमयी जिंदगी का प्रारंभ हो गया। नया देश, नए लोग, नया जीवन, खुला खुला, बिल्कुल फ़र्क, डरावना सा माहौल। मेरे सामने भी उसने बहुत सी गलतियां की, लेकिन न तो मैंने खुद ही कभी गुस्सा किया और न ही किसी और को कुछ कहने दिया। मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी, जज्बातों की चाशनी में डूबी इस सच्ची मोहब्बत को कभी की अहंकार वाले तराजू पर मत तौलना। मैं अपनी पत्नी के प्रति और भी जिम्मेदार हो गया। मैं जान चुका था कि मेरी पत्नी मीठे बेरों से लदी एक बेरी थी। मैं उस बेरी तक कोई बाहरी प्रभाव नहीं पहुंचने देना चाहता था। मेरी दादी अक्सर ही मुझे कहा करती थी कि किसी बेगाने की गलतियों और नासमझियों को कभी भी दुनिया के सामने बड़ा मसला बनाकर कभी भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन मेरी वो हमेशा हंसते रहने वाली, दुख सहकर संघर्ष करने वाली पत्नी, मेरी छोटी सी बेटी को जन्म देने वाली माँ भी तो बन गई थी। वो मेरी जीवन साथी थी। कितने संघर्ष के बाद मैं उसको शादी करके अपने घर लाया था। मेरे कई हमवतन हैं जो कहते हैं कि ये लोग पंजाब से बाहर विदेश में तो आ जाती हैं पर अपने अंदर से पंजाब को नहीं निकाल सकते। कई मेरे भारतीय परिचित लोगों ने मेरी पत्नी का इतिहास खोज निकाला कि मेरी पत्नी घर में सिर्फ साफ सफाई का काम ही जानती थी और वह बहुत ही छोटे से परिवार से थी। मेरी ऐसे लोगों से कई बार बहस भी हो चुकी थी। मैंने इस तरह के पहचान वाले दोस्त धीरे धीरे छोड़ दिए। मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरी बेटी उनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन मेरी वो नादान और मासूम पत्नी बहुत ही परिश्रमी थी। उसने पहले प्रयास में ही ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था और फिर पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। वो ना जाने कितने ही टेस्ट पहले ही प्रयास में पास कर गई थी। उसके बाद तो उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इतने वर्षों के बाद आज जब मैं उस गांव में सिर्फ साफ सफाई का काम जानने वाली उस औरत को मैं गोरे अंग्रेजों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हुए देखता हूँ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और किसी की कही दो बातें याद आ जाती हैं। पहली कि माँ के पेट से कोई भी इंसान सीख कर नहीं आता है।
दूसरी, हर सफल औरत के पीछे उसके पति की तरफ से उस औरत के लिए बनाया गया सुंदर घरेलू माहौल और हर कदम पर दिया गया बिना शर्त समर्थन होता है। पति की सपोर्ट सबसे ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, जिस्मानी और रूहानी अथवा शारीरिक और आत्मिक मोहब्बत में सिर्फ यही फ़र्क होता है। जिस मोहब्बत की नींव शरीरों की भूख को शांत करने पर स्थापित की होती है, वो शारीरिक भूख शांत हो जाने के बाद, एक दूसरे से मन भर जाने के बाद, अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाती है और फिर तलाक हो जाता है। लेकिन रूहानी आत्मिक मोहब्बत में स्नेह, समझदारी, जिम्मेवारी, एक दूसरे को सहारा बनने की हिम्मत, एक दूसरे को आलोचनाओं और दुखों से दूर रखने के लिए संघर्ष इत्यादि की ज़रूरत होती है। जब मैंने उस अनपढ़ गांव में साफ सफाई करने वाली लड़की से शादी की थी तो लोग अक्सर पूछा करते थे कि मैंने उस लड़की में क्या देखा था। अगर सुंदरता ही देखी थी तो मुझे तो सुंदर, पढ़ी लिखी, बहुत अमीर लड़कियां भी तो मिल सकती थी। पर मैं अब उनको कैसे समझाता कि मुझे तो उसको देखते ही रूहानी मोहब्बत हो गई थी, जिसका अनुभव सिर्फ मैं ही कर सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया।